हे गाइज वेलकम यू टू ऑल टू माय चैनल बीपीएससी अड्डा अगर आप बीपीएससी एग्जाम देने वाले हैं यानी अड़सठवीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपसे पूछा जाए कि तीन वैसा सब्जेक्ट जो बीपीएससी में आपको रिजल्ट दिलवाएगा तो आपका आंसर होगा हिस्ट्री करंट अफेयर्स और साइंस जी हाँ ये तीन वैसे सब्जेक्ट हैं जो आपको बी में रिजल्ट दिला सकता है तो इसीलिए आज हम उसका एक सेगमेंट को लेकर आए हैं और वो है मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग हर साल बी के द्वारा पीटी में अड़तीस से चालीस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को सेशन की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और सेशन के अंत में अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप कितने क्वेश्चन डेली करना चाहते हैं हमारी प्रयास रहेगी कि एक लिमिटेड क्वेश्चन आपको दी जाए ताकि आप उतनी को रिवीजन कर लें तो ये जो है आपको मैं आपके विजन पर छोड़ता हूं और कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइएगा कि आप डेली कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं आपके पास जो एक मैं शाखा दे देता हूं पंद्रह बीस पच्चीस और तीस अगर कोई ज़्यादा चाहता है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं स्टार्ट करते हैं पहला से क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है हमारे पास कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ एज यू ऑल नो कि कांग्रेस का डिवीजन 1907 में में सूरत अधिवेशन में हुआ था दो खंडों में विभाजित हुआ था और उसके बाद जब दो खंडों में विभाजित होता है कोई चीज कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हुआ था कब उन्नीस के सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था तो गरम दल और नरम दल आपने अगर आप इतिहास पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि दो विचारों का विभाजन हुआ था इसमें है ना तो दो विचारों का जब विभाजन हुआ उन्नीस के सूरत अधिवेशन में उसके बाद अगेन ये लखनऊ अधिवेशन जब लखनऊ अधिवेशन 1916 सो में हुआ था तो ये वापस इकट्ठे हो गए तो 1916 सो के लखनऊ अधिवेशन में वापस ये दोनों फिर से एक हो गए और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ था तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन नाइनटीन अगला प्रश्न है सैंडलर आयोग का गठन कब हुआ था सैंडलर आयोग की अगर हम बात करें तो सैंडलर आयोग का गठन लॉर्ड चेम्सफोर्ड एक बार फिर से मैं बोल देता हूं सैंडलर आयोग का गठन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था और यह जो है आयोग 1917 में इसका गठन किया गया था सैंडलर आयोग का संबंध अगर आपसे पूछता है तो सैंडलर आयोग का संबंध किससे था शिक्षा से था ऐसा में गठित किया गया था और किसके समय में के समय में किया गया था तो इतनी चीजें आपको इस प्रश्न से याद रखना है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइनटीन अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था तो रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो आपको रॉलेट एक्ट के बारे में आपने बहुत ही पढ़ा होगा इतिहास में कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा होगा तो वो रॉलेट एक्ट के बारे में जरूर सुना अगर नहीं सुने हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। 19 मार्च 1919 का वो दिन था जब रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था और कहा जाता है कि इस एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति पर अगर संदेह हो जाए तो उस पर बिना एफ आई आर किए हुए बिना किसी सबूत के उसके विरुद्ध मुकदमा शुरू किया जा सकता था यानी उसको अरेस्ट किया जा सकता था इसीलिए ना कोई अपील ना कोई दलील और ना कोई वकील ऐसा कहा जाता था, था किसके बारे में रोलेट एक्ट के बारे में ना कोई अपील ना कोई दलील और ना कोई वकील यही है रॉलेट एक्ट राइट तो रॉलेट एक्ट के बारे में आपने क्या समझा उन्नीस उन्नीस में एक रॉलेट एक्ट लागू किया गया था जिसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 और इसी के आगे आप देखेंगे कि रॉलेट एक्ट का ही परिणाम था जलियावाला बाग हत्याकांड है ना तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में ही गांधी जी जो हैं पूरे देश विरुद्ध अपना हड़ताल करवाना शुरू कर देते हैं और 6 अप्रैल 1919 को ये पूरा हड़ताल होता है और उसके बाद आप देखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक कांड होता है जिसको बोलते हैं जलियावाला बाग हत्याकांड राइट और जिसका संबंध जलियावाला बाग हत्याकांड से किससे था जनरल डायर से था जिन्होंने अंधाधुन गोलियां चलवाई थी अगला प्रश्न देखते हैं हम अगला प्रश्न है गांधी जी से संबंधित गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन किस गवर्नर जनरल के समय शुरू किया गया था ध्यान दीजिएगा आपसे इसमें पूछा जा रहा है गवर्नर जनरल कौन थे जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा देखिए क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं अगर आपसे पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल कौन है तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि असहयोग आंदोलन हुआ कब है तो आप सभी को मालूम होगा असहयोग आंदोलन के बारे में कि रॉलेट एक्ट और जलियावाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत आंदोलन ये तीन ऐसे उस समय के महत्वपूर्ण चीजें थे जिसके विरुद्ध में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था एक बार फिर से मैं बोल देता हूं रोलेट एक्ट जलियावाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन ये तीन ऐसे कांड थे और कह सकते हैं आंदोलन थे जिसके विरुद्ध में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड यानी ऑप्शन सी अब बात करते हैं कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या था तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था 1916 से लेकर 1921 तक राइट तो 1916 से 1921 तक के जितनी भी घटनाएं उठी हैं वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में जाना जाएगा अगला प्रश्न है मोंपला विद्रोह तो मोंपला विद्रोह कब हुआ था मोपला विद्रोह हुआ तो था 1921 में लेकिन ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय नहीं हुआ था ये हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में कब लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था तो यह प्रश्न आपको जानना चाहिए अगर आपसे पूछता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था तो वो हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर उन्नीस मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये एक ऐसा प्रश्न है मुस्लिम लीग वाला जहां से आपको हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो आपको मालूम होगा कि आगा खां और सलीम अल्लाह सलीम उल्ला खां ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा ढाका में 1906 में ढाका के ढाका कहां है तो बांग्लादेश में है तो ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था और किसके द्वारा नाम लिख देता हूं आगा खां एवं सलीम उल्ला खां सलीम के द्वारा तो किया गया था 1906 में ढाका में अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी से तो इसका भी बहुत रोचक कहानी है तो मैं रोचक कहानियों पर नहीं जाऊंगा। जब इतिहास को जब डिटेल में बताऊंगा आपको तब मैं उसको कवर करूंगा स्वराज पार्टी का जल्द ही आपको मॉडर्न हिस्ट्री का एक सीरीज चालू होने वाला है अड़सठवीं बीपीएससी टारगेट अड़सठवीं बीपीएससी को लेकर के तो जरूर हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आप नहीं जुड़े हैं आ, मैं मानता हूं कि अभी थोड़ा सा बीच में मैं अपने चैनल पर कम एक्टिवेट था लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा अड़सठवीं बीपीएससी का फुल सिलेबस जो आपको पी के लिए रिक्वायर्ड होगा चाहे मैथ ले लीजिए पॉलिटी ले लीजिए ज्योग्रफी ले लीजिए हिस्ट्री ले लीजिए साइंस ले लीजिए एनी सब्जेक्ट एनी सब्जेक्ट दैट ऑल विल बी कवर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर जो शिक्षा आपको दिया जाएगा वो फ्री में दिया जाएगा अगर आपको लगता है कि दैट इज रिलेवेंट फॉर यू देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल टू अवेल द बेनिफिट नाउ अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था इंपॉर्टेंट प्रश्न स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी के दोस्तों आपको मालूम होगा कि कांग्रेस से ही टूटकर यानी कांग्रेस के भीतर ही एक पार्टी का गठन किया गया था तो कांग्रेस के भीतर ही एक पार्टी 1923 में चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू देखिए क्या होता है ना कि एक पार्टी का गठन होता है आप जस्ट सोचिए होता क्या है आज के परिस्थिति में भी देखते होंगे राजनीतिक पार्टियों को तो एक पार्टी है मान लेते हैं एक पार्टी है आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम एक पार्टी है तो क्या होता है इसमें बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं तो इनके विचारें भी अलग होती हैं जब विचार अलग होता है तो कभी कई बार तो गठबंधन की मतलब बना रहता है लेकिन कई बार क्या होता है इनके विचारों में मतभेद हो जाता है जब विचारों में मतभेद होगा तो कुछ लोग अलग होकर क्या कर लेते हैं एक नई पार्टियां का निर्माण कर लेते हैं ठीक उसी प्रकार से चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत ही तो एक चीज तो आप समझिए सबसे पहले कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है तो सर आप बताएंगे कि सर चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन 1923 में अलाहाबाद में किया गया था कांग्रेस के अंतर्गत ही 1923 के चुनाव जो हुआ था उसमें इस दल ने मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत भी इनको मिला था तो स्वराज पार्टी की स्थापना उन्नीस में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था तो इतनी चीजें आपको याद रखना है और अगर आपको यह पूछ दे कि स्वराज पार्टी का जब गठन हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो आपका आंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा जैसा कि आपने देखा था कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल उन्नीस था तो वहीं से शुरुआत होता है लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल और लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था उन्नीस तक तो यह भी टाइम फ्रेम आप याद रखेगा टाइम फ्रेम को याद रखना बहुत जरूरी होता है अब अगला जो प्रश्न है वह है चौरी चौरा कांड से तो यह आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए सेशन आपको कैसा लगा प्लीज अपना जो तो व्यूज है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए ताकि मैं उसको और अच्छे तरीके से कवर कर सकूँ